हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू योर मैथमेटिक्स क्लास। दिस इज योर थर्ड लेक्चर ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2, वॉल नंबर्स। इन योर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन वॉल नंबर्स, वेयर वी डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन वॉल नंबर्स, इन विच वी हैव डिस्कस सेवरल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, देन आफ्टर विच वी हैव डिस्कस द सब्सट्रैक्शन ऑफ वॉल नंबर्स, एंड देन द थर्ड ऑपरेशन विच इज द मल्टीप्लीकेशन। एंड इन मल्टीप्लीकेशन वी हैव ऑल्सो डिस्कस सेवरल प्रॉपर्टीज लाइक द क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस इन योर प्रीवियस लेक्चर विच इज द मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नाउ अब उसके बाद हमारे जो टॉपिक बचते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर, सो अब हम उनको यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सो लाइक दैट जैसे हमने एडिशन के केस में स्टडी किया था कि एडिशन में क्या होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। नाउ सेम ऐसी हमने कहां पे स्टडी किया, सब्सट्रैक्शन में किया, बट सब्सट्रैक्शन के केस में कोई सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है। सो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के केस में यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है सिंपली, सो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आइडेंटिटी सिंपली हमारा ये एक वो नंबर होगा, अगर हम इसको गिवन वो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे देन देयर इज नो चेंज इन द वो नंबर, उस वो नंबर में वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के केस में हमारे पास क्या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स हियर द नंबर वन, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है नंबर वन, सो हैज अ स्पेशल रोल इन मल्टीप्लीकेशन। अगर हम नंबर वन की बात करते हैं, वॉल नंबर वन की बात करते हैं, तो इसका बहुत ही एक स्पेशल रोल होता है, एक इंपोर्टेंट रोल होता है मल्टीप्लीकेशन में। सो लाइक दैट किस तरह से यहां पे रोल होगा, लाइक दैट इफ वी हैव ए इज एनी वॉल नंबर, हमारे पास कोई भी एक वॉल नंबर है ए, एंड इफ वी सिंपली मल्टीप्लाई वन इन दिस वॉल नंबर देन वी सिंपली गेट हेयर ए, अगेन हमारे पास क्या आएगा ए आएगा, या फिर हम वन में किसकी मल्टीप्लाई करें ए की मल्टीप्लाई करें देन सिंपली तब भी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वन ही ए ही आना है। सो आई कैन सिंपली राइट हेयर, अगर हम ए की मल्टीप्लाई, ए में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर वन में ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन प्रोडक्ट दोनों का क्या आएगा हमारा, देन प्रोडक्ट हमारा दोनों का सेम ही आएगा। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस वी कैन सिंपली से हेयर दैट द नंबर वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नंबर वन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। नाउ अब जैसे मैं सिंपली यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सो लाइक दैट सपोज आपको एक वॉल नंबर गिवन है 5, एंड आपसे पूछ जाए इसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करो, देन सिंपली आप क्या बोलोगे दैट द नंबर 5 हैज वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, देन बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 5, बिकॉज अगर आप 1 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे देन सिंपली आपका आंसर क्या आएगा सेम अगेन 5 ही आना है वहां पे। सो वी कैन सिंपली से वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल वॉल नंबर्स, वन क्या हो जाएगा हमारा सभी वॉल नंबर्स का मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। लाइक दैट अगर यहाँ पे हम 0 की बात करें, सो 0 भी आपका एक वॉल नंबर है, अगर 0 में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं देन अगेन आंसर हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। सो लाइक दैट वी कैन सिंपली से दैट द नंबर 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल वॉल नंबर्स। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज द मल्टीप्लीकेशन बाय 0। सो अगर हम किसी भी वॉल नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं देन सिंपली वहां पे क्या प्रोडक्ट आता है हमारा, सो अगेन हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। हमारे पास कोई भी नंबर हो अगर हम उसमें 0 की मल्टीप्लाई करेंगे देन सिंपली उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, उनका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। सो लाइक दैट द नंबर 0 has a special role in multiplication. So again यहाँ पे जो 0 नंबर है हमारा, 0 क्या है एक वॉल नंबर है, सो इसका भी यहाँ पे क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पेशल रोल होता है, बिकॉज इफ वी हैव ए इज एनी वॉल नंबर, ए हमारे पास कोई भी एक वॉल नंबर है, एंड देन अगर मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई करता हूं 0 की, देन आफ्टर विच इनका सम कितना आएगा हमारे पास अगेन 0 ही आएगा, या फिर अगर मैं 0 में उस गिवन वॉल नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं देन सेम अगेन हमारा प्रोजेक्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर
a मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय a. सो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करते हैं 0 की किसी भी होल नंबर में. सो इनका यहाँ पे कंसेप्ट आगे यूज होगा, बिकॉज क्वेश्चंस में आपको इस तरह से मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन वहां पे गिवन होगा आपको. सो लाइक दैट वहां पे क्वेश्चन में हो सकता है किसी होल नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करनी हो, देन आपको यहाँ पे पता है कि 0 की आप मल्टीप्लाई अगर किसी भी होल नंबर में करते हो, देन सिंपली उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा. सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है किस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं 0 की किसी भी होल नंबर में. नाउ अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो ऐसे सेम हमने एडिशन के केस में स्टडी किया था, कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन वहां पे हमने स्टडी किया था. सो चलिए देखते हैं यहां पे क्या होगा हमारे पास इस लॉ में. सो इफ वी हैव ए एंड बी आर एनी होल नंबर्स एंड सी इज अ नॉन जीरो होल नंबर, देन इफ वी मल्टीप्लाई ए बाय सी एंड बी मल्टीप्लाई बी बाय सी, देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी. ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी के इक्वल आ जाएगी. क्यों होगी, बिकॉज यहाँ पे जो सी होंगे वो ए दूसरे को क्या कर देंगे, सिंपली कैंसिल कर देंगे. बिकॉज कैसे कैंसिल करेंगे, अब ना आपने बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है, अगर हमारे पास एक साइड में क्या है प्लस है और अगर हम उसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, देन वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. एंड अगर हमारे पास माइनस है और अगर हम इसको इक्वल के दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, देन सिंपली वो क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे वो हमारा प्लस हो जाएगा. एंड इफ वी हैव डिविजन, अगर हमारे पास डिविजन है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, देन वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है और हम इसको इक्वल के दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, देन वो सिंपली वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. नाउ अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, ए इंटू सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी. अब अगर हम सी को इधर लेके आए, देन ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी अपॉन सी. सो सी एंड सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो ये हमारा क्या है, यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ है मल्टीप्लीकेशन का. नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे, सो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं. सो लाइक दैट इफ वी हैव गिवन एक्स, एक्स हमारे पास कोई भी एक होल नंबर है, देन इफ आई एम राइटिंग हेयर 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 15 एंड वी हैव टू फाइंड हेयर द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन सिंपली किस तरह से फाइंड कर सकता हूं मैं. सो अब देखिए 5 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में इसको मैं इक्वल के इधर लेके जाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा. देन आई कैन सिंपली राइट दिस एज x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5. नाउ अब ये इसको कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी. नाउ अब आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो दैट जो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आई है वो यहाँ पे हमारी सही है या फिर नहीं है. कैसे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या करके, पुट करके. अब किस तरह से पुट करेंगे, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 15 और 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे देन तब भी क्या आएगा, आपका 15 आएगा. सो LHS means the left hand side किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू कैन सिंपली यूज दिस लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन और इस तरह से आपके वहां पे क्या मिलेंगे, आपको अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस सभी तीनों यहाँ पे टॉपिक समझ में आ गए हैं अच्छे से. नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. So now dear students, the last law in the operation of multiplication is distributive over subtraction. So जिस तरह से हमने study किया था, multiplication is distributive over addition. So like that यहाँ पे multiplication distributive होगा हमारा over subtraction. So चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हमारा ये law होगा और क्या हमारा यहाँ पे relation आएगा. So dear students, again if we have a, b and c are एनी होल नंबर्स, हमारे पास ए बी एंड सी तीन हमारे पास कोई भी होल नंबर्स हैं, देन वेयर बी इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन सी. नाउ अब यहां पे वन मोर थिंग आपको याद रखना है कि जो बी होगा एंड जो सी होगा, या तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी या फिर बी की वैल्यू यहां पे क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, सी से. देन अगर कहीं पे इस तरह से आपको क्या मिल रहा है, कंसेप्ट मिल रहा है, देन इनका रिलेशन किस तरह से होगा, देन वी कैन सिंपली राइट हियर इफ वी मल्टीप्लाई द
subtraction of b minus c by a, then it is equals to, if we multiply a and b and a and c and then subtract the product of both these, then दोनों की values क्या आ जाएंगी, हमारी equal आ जाएंगी. So like that same relation हमने कहाँ पे study किया था, addition के case में study किया था, where multiplication is distributive over addition. बस वहाँ पे क्या था, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे क्या है, subtraction का sign है, वहाँ पे कौन सा sign था आपका, वहाँ पे आपका positive sign था, addition का sign था. So this is known as the distributive laws of multiplication over addition. So ये हमारा क्या होता है, ये हमारा distributive law होता है multiplication का over addition. So चलिए यहाँ पे इनको verify करते हैं कि क्या वो numbers हमारे इन relations को show करते हैं या फिर नहीं करते हैं. So like that हमारे पास यहाँ पे कुछ values given है. So like that हमारे पास तीन whole numbers given है, a, b and c, और तीनों की values given हमें. a की value हमारे पास 6 है, b की value 13 है, और c की value क्या है हमारे पास 5 है. Now अब देखें यहाँ पे b क्या है, b हमारा greater है किससे, c से. It means यहाँ पे ये सभी numbers क्या करेंगे, हमारे इन relation को follow करेंगे. So चलिए verify करते हैं हम यहाँ पे. So सबसे first हम पहले relation में values को put करते हैं. So a की value कितनी है हमारे पास 6 multiplied by b की value कितनी है 13 minus 5 is equals to a की value है 6 multiplied by 13 minus a की value है 6 multiplied by 5. So ये हो गया हमारे पास. अब आगे देखते हैं. So 13 और 5 minus करेंगे, so 6 into कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 8 आ जाएगा. Then this will be, ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जब हम क्या करेंगे, simply यहाँ पे multiply करेंगे किसकी, 6 की और 13 की. then 6 3 times कितना होगा 18, 1 इधर carry, then this will be 78 minus 30. so ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, value आ गई. now अब देखिए 6 times पे कितना होगा, 8 into 6 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, and इधर भी कितना आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा. means both sides are equal, LHS RHS की equal हो गई है, left hand side right hand side की equal हो गई. it means यहाँ पे ये तीनों whole numbers क्या कर रहे हैं, इस property को, इस relation को या फिर इस law को क्या कर रहे हैं, ये follow कर रहे हैं. I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गया है. Now चलिए अब इन्हीं सेम वैल्यूज को हम पुट करते हैं यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास रिलेशन है. सो सेकंड रिलेशन में हमारे पास क्या है, सिंपली यहाँ पे b माइनस ए. सो हमारे पास क्या है, b माइनस c. सो b की वैल्यू कितनी है 13, c की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाय a, a की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू b इंटू a, b की वैल्यू कितनी है 13 और a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस c की वैल्यू कितनी है 5 और a की वैल्यू कितनी है 6. देन दिस विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 78 माइनस 30. देन दिस विल बी इक्वल्स टू 48 एंड दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू 48. सो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, इन तीनों होल नंबर्स ने हमारे इस लोगो भी क्या क्या यहाँ पे फॉलो किया है, इस रिलेशन को भी फॉलो किया है. सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन सिंपली से दैट मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन. सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है, एंड आई होप अब आपको इस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा देन आप उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की. सो कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छे से सभी टॉपिक्स टर्म्स क्लियर हो जाएंगे. सो चलिए देखते हैं हमारे पास. सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. सो जैसा हमने एडिशन के केस में स्टडी किया था, वहां पे हमने सम को फाइंड किया था बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. सो सेम हम यहाँ पे किसको फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. सो देखिए वहां पे मैंने आपको बताया था कि सुटेबल रीअरेंजमेंट करते क्यों है, जिससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए और एरर के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए. सो लाइक दैट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ग्रुप्स बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए और एरर के चांसेस हमारे कम हो जाए. सो चलिए मूव करते हैं. सो सबसे फर्स्ट हमारे पास पार्ट यहाँ पे गिवन है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 367 मल्टीप्लाइड बाय 25. सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं. सो लाइक दैट अगर आप यहाँ पे देखें 8 एंड 25 की मैं इजिली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देन आई कैन सिंपली राइट हियर 8 मल्टीप्लाइड बाय 25, इनके मैंने यहाँ पे पेयर्स बनाए एंड मल्टीप्लाइड बाय 367. नाउ 8 की जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या आएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, 8 की 5 टाइम्स क्या होगा 40, देन दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 200. सो 200 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी.
Now multiplied by 367. So 367 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो लाइक दैट देखिए यहाँ पे आपको दो जीरोस प्रेजेंट है. सो डायरेक्ट अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे सभी नंबर्स की सभी डिजिट्स की इसमें देन वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा. देन आप सिंपली क्या करो टू की मल्टीप्लाई करो इसके अंदर. देन आफ्टर विच उसके बाद आपको दो जीरोस वहां पे पुट करनी है. सो लाइक दैट टू की मल्टीप्लाई करेंगे सेवन में कितना आएगा 14. वन इधर कैरी आ गया. सिक्स की मल्टीप्लाई टू में करेंगे कितना आएगा 12. 12 और वन 13. थ्री आ गया. वन इधर कैरी आ गया. देन टू की मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे 6 और वन 7 आ गया. देन आफ्टर दैट आप ये दोनों जीरोस यहां पे क्या कर दो पुट कर दो. सो लाइक दैट यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई हेयर. सो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बाय सुटेबल अरेंजमेंट यहाँ पे हमने क्या किया इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है. सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है फर्स्ट पार्ट किस तरह से हमने यहाँ पे सोल्व किया और किस तरह से हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया. नाउ अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे. सो इन द सेकंड पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है 17 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 8. सो चलिए सुटेबल रीअरेंजमेंट करते हैं. सो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे 17 की मल्टीप्लाई करूं किसके साथ में 14 के साथ में. देन यहाँ पे मैं 125 की मल्टीप्लाई करूं किसके साथ में 8 के साथ में. देन सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इजी हमारे लिए. देन अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 की मल्टीप्लाई करते हैं. सो देखिए 7 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा 28. 2 इधर कैरी आ गया. नाउ 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 में. सो कितना आएगा 7 एंड 2 9 आ जाएगा. देन अब हम सिंपली 1 की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 4 पे. देन दिस विल बी कितना आ जाएगा 4 एंड दिस विल बी 1 आ जाएगा. देन दिस विल बी 832 मीन्स 238 यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा. सो आई कैन सिंपली राइट हियर 238. नाउ मल्टीप्लाइड बाय सो 125 की मल्टीप्लाई जब आप किस में करोगे जब आप सिंपली इसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे आप 8 में करोगे. देन दिस विल बी इक्वल्स टू 1000. ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1000 हो जाएगा. नाउ अब देखते हैं आगे हम सिंपली. सो अब आपको क्या करना है सिंपली इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है. देन आपको सिंपली थ्री जीरोस को आफ्टर ऑल थ्री डिजिट्स आपको पुट करना है. सो लाइक दैट ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा इनका प्रोजेक्ट आ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट फाइंड करना हो बाय यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट. सो लाइक दैट आपको वहां पे क्या करना है क्वेश्चन को सोल्व करने हैं. सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई है सभी क्वेश्चन एंड दी टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस. नाउ अब हम मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चन पे और कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं विच आर बेस्ड ऑन दी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. Now, dear students, let's discuss some more questions which are based on the operation of multiplication. So, again, हमारे पास यहाँ पे question given है. Find the value of the following. So, हमें यहाँ पे क्या करना है इनकी values को find करना है. Now, अब देखिए हमारे पास simply कुछ larger numbers हमें given है. So, simply जो भी हमने पीछे identities को study किया multiplication के अंदर laws को properties को study किया उन्हीं को हमें use करके यहाँ पे क्या करना है इनके project को find करना है. और जितना हो सके हमें अपनी calculation को उतना ही क्या करना है इजी करना है बिकॉज उससे हमारे एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे. सो चलिए देखते हैं मूव करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट पे. सो इन द फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे 658 मल्टीप्लाइड बाय 42 प्लस 658 मल्टीप्लाइड बाय 158. सो लाइक दैट हमारे पास ये है. नाउ देखिए हमारे पास यहाँ पे दो पेयर्स बन रहे हैं. सो लाइक दैट वन एंड दिस इज द सेकंड. नाउ अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करता हूं सो आई कैन सिंपली राइट हियर देखिए 42 में एंड 158 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है. सो कैन आई सिंपली राइट दिस एज 658 मल्टीप्लाइड बाय 42 प्लस 158. सो लाइक दैट आई कैन इजिली राइट. मैं इसको यहां पे इस तरह से क्या कर सकता हूं इजिली राइट कर सकता हूं. नाउ अब देखिए इन दोनों को एड करना है हमें. सो अब इनको एड करते हैं 658 मल्टीप्लाइड बाय नाउ 42 को जब आप यहाँ पे सिंपली एड करोगे देन दिस विल बी कितना हो जाएगा दिस विल बी 200. कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा. नाउ अब हम इजिली 200 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसमें 658 में लाइक दैट. सो देखिए जैसा भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया सो सिंपली 2 की मल्टीप्लाई कीजिए इनमें. सो 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना आएगा 16. 1 इधर कैरी आ गया. नाउ 2 की मल्टीप्लाई 5 में 10 और 1 11. 1 आ गया. 1 इधर कैरी आ गया. देन 6 की मल्टीप्लाई 2 में 12 और 1 13.
एंड देन इन दोनों जीरोस को यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली पुट करना है। सो लाइक दैट वी कैन सिंपली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। सो देखिए अब कितना इजी हो गया। अदरवाइज आपको सबसे पहले 42 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ती, देन 158 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, और देन तब उन दोनों के प्रोडक्ट्स को आपको क्या करना था, एड करना था। बट देखिए यहाँ पे आपका 3 स्टेप्स में ही क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, और ना ही आपको कोई टिपिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ी। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है किस तरह से हम इजिली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो इन द सेकंड पार्ट, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को मैं सिंपली यहाँ पे रफ कर रहा हूं, देन हम सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। सो लाइक दैट इन द सेकंड पार्ट, सो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 81265 मल्टीप्लाइड बाय 187 माइनस 81265 मल्टीप्लाइड बाय 87। सो नाउ अगेन देखिए हमारे पास यहाँ पे दो पेयर्स प्रेजेंट है, सो लाइक दैट दोनों हमारे किससे जुड़े हुए हैं, सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। नाउ देखिए दोनों में नंबर कॉमन है हमारा, सो कैन आई सिंपली राइट दिस एज 81265 मल्टीप्लाइड बाय 187 माइनस 87। बिकॉज अगर मैं 81265 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करूंगा देन अगेन हमारे पास यही रिलेशन आ जाएगा। सो पीछे भी हमने इस तरह से आइडेंटिटी को स्टडी किया था। सो चलिए अब देखते हैं इनको आगे सिंपली सॉल्व करते हैं। सो लाइक दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, 81265 मल्टीप्लाइड बाय, सो 87 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 187 में से, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100, देन सिंपली 100 की मल्टीप्लाई करनी है हमें इसमें। सो देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर। सो इस तरह से हमने यहाँ पे इनकी क्या की, वैल्यू को फाइंड कर लिया है। सो देखिए कितना इजी हो गई हमारे लिए यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी। सो लाइक दैट आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस तरह से रीअरेंजमेंट करना है नंबर्स का, जिससे आपकी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा हो सके वो इतनी इजी हो जाए। अब देखिए एरर के चांसेस हमारे क्या हो गए यहाँ पे, बहुत ही कम हो गए। अदरवाइज आपको देखिए कि लार्ज नंबर्स है हमारे पास, तो देखिए आपको सबसे फर्स्ट 187 की मल्टीप्लाई इसमें करनी थी, देन आफ्टर विच 87 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है, देन इन दोनों का फिर क्या करना था, सब्सट्रैक्ट करना था दोनों के प्रोडक्ट्स को। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में थोड़ा सा और यहाँ पे हमें ज्यादा वैल्यूज गिवन है, सो चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। सो लाइक दैट देखिए हमारे पास यहाँ पे अगेन, अब देखिए इसके अंदर हमें 3 पेयर्स प्रेजेंट है। सो लाइक दैट हमारे पास ये 3 पेयर्स है। अब देखते हैं तीनों पेयर में क्या कॉमन है हमारे पास। सो देखिए 6750 यहाँ पे भी कॉमन है एंड यहाँ पे भी कॉमन है, बट इसमें कॉमन नहीं है। तो अभी थोड़ी टाइम के लिए इसको क्या करके रखते हैं, इसको सेपरेट रख के चलते हैं और इन दोनों को हम एक साथ करते हैं। सो लाइक दैट 6750 मल्टीप्लाइड बाय 464 प्लस 6750 मल्टीप्लाइड बाय 54। सो देखिए मैंने इस पूरी वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दिया, यानी कि इसको मैं यहां पे लेके आ गया और इसको मैं लास्ट में लेके चला गया। सो लाइक दैट इनको मैंने ब्रैकेट्स में किया माइनस, क्योंकि इसके पास माइनस था और इस वाले पेयर के पास प्लस का साइन था। नाउ 675 मल्टीप्लाइड बाय 418 मल्टीप्लाइड बाय 10। नाउ लाइक दैट अब देखिए यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं सिंपली कॉमन ले सकता हूं 6750 मल्टीप्लाइड बाय 464 प्लस 54। नाउ माइनस, सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें मैंने कॉमन ले लिया। नाउ अब बाकी की बची वैल्यूज को 675 मल्टीप्लाइड बाय 418 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपली 6750 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 8, 4 एंड 4 8 हो जाएगा हमारे पास, देन 5 और 6 11 1 एंड इधर 1 कैरी आएगा, देन दिस विल बी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, वैल्यू आ गई 518। नाउ माइनस, सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, नाउ माइनस 675। अब देखिए अगर मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, देन सिंपली अब देखिए 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूं यहाँ पे, देन सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, 6750 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 418। सो लाइक दैट अब देखिए यहाँ पे ये भी कॉमन एंड ये भी, दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ। सो लाइक दैट 6750 मल्टीप्लाइड बाय 518 माइनस 418।
सो लाइक दैट आई कैन सिंपली राइट हियर. नाउ अब इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो देन वैल्यू कितनी आएगी, 100 आ जाएगी. देन 6750 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन दिस विल बी 675000. सो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यूज आ जाएगी. सो देखिए लाइक दैट हम इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं बाय मेकिंग अवर कैलकुलेशंस इजी एंड इजी. हमने अपनी कैलकुलेशन को देखिए कितना इजी यहाँ पे फॉर्म कर लिया. देखिए सिंपली हमने कैलकुलेट कर दिया, हमें यहाँ पे कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही. बट अदरवाइज अगर आप सिंपली डायरेक्ट इनको इस तरह से वैल्यू को फाइंड करोगे देन आप कि जो एरर के चांसेस होंगे, मिस्टेक के चांसेस होंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएंगी यहाँ पे. सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है. नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज फाइंड दी फ्लोइंग प्रोजेक्ट्स. सुटेबल प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इनके प्रोजेक्ट्स को क्या करना है, फाइंड करना है. सो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन 674 मल्टीप्लाइड बाय 110. नाउ लाइक दैट अब देखिए हमें इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है. सो देखिए 110 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, आई कैन सिंपली राइट हियर 674 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10 लाइक दैट बिकॉज अगर इन दोनों को एड करूंगा सो अगेन 110 आ जाएगा. नाउ अब 674 की मल्टीप्लाई सभी में करते हैं इसमें. सो 674 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 674 मल्टीप्लाइड बाय 10 देन दिस विल बी ये कितना आ जाएगा 67400 प्लस 6740. नाउ अब इनको सिंपली क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सिंपली. सो देखिए जीरो है एंड इधर भी जीरो है तो जीरो आ जाएगा. इधर जीरो है, इधर फोर है देन फोर आ जाएगा. इधर फोर है एंड इधर सेवन है सो सेवन इलेवन आ जाएगा. वन इधर कैरी आ गया, सेवन है और इधर सिक्स है देन ये कितना आ जाएगा 13 और वन कैरी था हमारे पास यहाँ पे 14, फोर वन इधर कैरी आ गया देन दिस विल बी लाइक दैट. सो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा हमारे पास 74140. सो लाइक दैट वी कैन सिंपली फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लोइंग वोल नंबर्स बाय यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट. सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है अच्छे से. नाउ अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे. सो इन द सेकेंड पार्ट वी हैव गिवन 1396 मल्टीप्लाइड बाय 99. सो अब देखिए 99 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे. सो 1396 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 1 बिकॉज जब 100 में से 1 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 99 ही आ जाएगा हमारे पास. सो चलिए आगे. सो अब देखिए 1396 की मल्टीप्लाई मैं दोनों में कर सकता हूँ. सो 1396 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 1396 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो अब देखिए वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 139600 माइनस 1396. अब दोनों को सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं. सो देखिए 139600 एंड दिस विल 1396. सो देखिए यहाँ पे 10 4 आ जाएगा, 9 में से 0 आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा एंड 8 एंड 3 एंड 1. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंपली वैल्यूज आ जाएगी. नाउ सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया इनका प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. सो डियर स्टूडेंट्स लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिंपली यहाँ पे मूव करते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास अगेन यहाँ पे की बार और लार्जर हमें वैल्यूज गिवन है, नंबर्स गिवन है. सो चलिए देखते हैं हम उनको किस तरह से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. सो लाइक दैट इन द थर्ड पार्ट में हमें 1006 एंड 178 इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है. सो लाइक दैट देखिए थर्ड पार्ट में मैं 1006 को किस तरह से लिख सकता हूँ, 1000 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 178. नाउ 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 178 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 178 देन दिस विल बी ये कितना आ जाएगा 178000 एंड जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 8 में देन 48 आएगा देन 8
4 यहाँ पे आ गया हमारे पास कैरी, देन 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 42 आ जाएगा, देन सिंपली 4 को ऐड कर देंगे 46, देन 4 सो 6, देन दिस विल बी 1068 आ जाएगा। अब 1068 को इसमें सिंपली आपको क्या करना है, ऐड करना है, सो देखिए 0 and 8 आ जाएगा, 0 and 6 0 आ जाएगा, 0 and 0 0 आ जाएगा, 1 and 8 9 7 1 सो दिस विल बी दी प्रोडक्ट। यहाँ पे ये इनका क्या आ जाएगा आपका सिंपली प्रोडक्ट आ जाएगा। नाउ मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो इन दी फोर्थ क्वेश्चन वी हैव गिवन 425 मल्टीप्लाइड बाई 28। सो देखिए 425 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 400 प्लस 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 28, सो लाइक दैट 28 से मल्टीप्लाई करनी है सिंपली। सो देखिए किस तरह से होगा, यहाँ पे 400 मल्टीप्लाइड बाय 28 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 28 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 28, सो लाइक दैट देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे सिंपली। सो 4 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 32, तो 2 आ गया, 3 इधर कैरी आ गया, 4 और 2 कितना होगा 8 9 10 11, देन दिस विल बी दी प्रोडक्ट हियर। नाउ अब 2 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, सो 16 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली 16 आ जाएगा, देन दिस विल बी 560 प्लस फिर 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 टाइम्स कितना होगा 40, 04 यहाँ पे क्या आ गया कैरी 10, एंड देन दिस विल बी 140 कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपली यहाँ पे 140 आ जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, सो 40 को इसमें जब ऐड करेंगे 140 को, देन दिस विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास ये सिंपली हमारे पास 700 हो जाएगा, देन दिस विल बी लाइक दैट, एंड जब इसको आप सिंपली यहाँ पे ऐड करोगे देन दिस विल बी 1900। सो इस तरह से हमने यहाँ पे सिंपली इनका क्या किया, प्रोडक्ट्स को फाइंड किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो लाइक दैट आप इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं विच आर बेस्ड ऑन दी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम मूव करते हैं लास्ट ऑपरेशन पे विच इज दी ऑपरेशन ऑफ डिविजन, और उसको हम यहाँ पे अच्छे से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड द लास्ट ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स विच इज द डिवीजन, विच इज द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। सो ऑपरेशन ऑफ डिवीजन को यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो लेट्स ऑब्जर्व सम ऑब्जर्वेशंस हियर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को सबसे फर्स्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे गिवन है लेट अस डिवाइड 30 by 5, सो 30 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, देन जैसे हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। नाउ अगर हम 6 की मल्टीप्लाई किस में कर दे, 5 में कर दे, देन हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सो आई कैन सिंपली से हेयर आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस लाइक दैट इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स वेयर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन डिवाइडिंग ए बाय बी इज सेम एज द फाइंडिंग अ होल नंबर सी विच वेन मल्टीप्लाइड बाय बी गिव्स ए। इट मीन्स अगर सिंपली बी की मल्टीप्लाई सी में करेंगे देन अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अगेन ए आ जाएगा। सो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे 30 को क्या बोलू, ए बोलू, और 5 को क्या बोलू, बी बोलू। सो लाइक दैट अगर मैं ए को किससे डिवाइड कर रहा हूं, बी से डिवाइड कर रहा हूं, देन हमारे पास एक थर्ड होल नंबर आ रहा है, सी आ रहा है। और अगर मैं अगेन क्या करूं, बी की मल्टीप्लाई सी में करूं, देन हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, हमारे पास अगेन ए आ जाएगा। सो लाइक दैट यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, बी है, ये क्या है हमारे पास, सी आया, और ये अगेन हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन ऑन होल नंबर्स। सो अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू सी इज सेम एज बी मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल्स टू ए। इट मीन्स आई कैन सिंपली राइट हियर The operation of division is an inverse operation of multiplication. It means जो division का operation है वो उल्टा inverse है किसका, multiplication के operation का। So dear students, I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गया है operation of division, division का किस तरह से हम operation use करते हैं, follow करते हैं whole numbers के case में। So बहुत सारे आपको examples given होंगे book के अंदर and exercise में, so questions की भी हम यहाँ पे practice करेंगे आगे भी। So अब हम move करते हैं next
पार्ट पे यहाँ पे विच इज द डिविजन बाय जीरो। सो देखिए, अगर हम जीरो की सिंपली डिवीजन करते हैं किसी भी नंबर को सिंपली, देन ये हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिंपली डिफाइंड नहीं होगा। सो डिवीजन बाय जीरो, सो लाइक दैट अगर हमारे पास कोई एक नंबर है लाइक दैट थ्री, सो अगर मैं थ्री को सिंपली क्या करूं, जीरो से डिवाइड करूं, देन हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। इट मीन्स थ्री यहाँ पे क्या है हमारा ए है, जीरो यहाँ पे क्या है हमारा बी है, और ये जो जीरो आएगी हमारे पास सी आना चाहिए था, बट बी एंड सी की तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बी की मल्टीप्लाई सी में करूंगा तो हमारे पास ए नहीं आएगा, बिकॉज जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करूंगा तो जीरो ही आएगा, लेकिन ए हमारा यहाँ पे क्या है थ्री है। देन आफ्टर विच आई कैन सिंपली से हेयर डिविजन ऑफ अ होल नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जीरो के केस में यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ डिविजन हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है। So like that dear students, अगर कहीं पे भी आपको कोई भी नंबर गिवन हो, किसी भी whole number को अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो, then उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। So I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गया है डिविजन बाय जीरो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज द डिविजन एल्गोरिथम। सो हम डिविजन एल्गोरिथम की बात करते हैं। सो देखिए, डिविजन के केस में आपने कुछ टर्म्स को पढ़ा होगा, सिंपली स्टडी किया होगा, विच इज द डिवाइडेंड, डिविजर, क्वाइटेंट एंड द रिमाइंडर। सो ये फोर टर्म्स हमारे यहाँ पे डिविजन एल्गोरिथम में यूज होते हैं। सो अगर आपने पढ़ा है अच्छी बात है, अगेन रिविजन होगा, और अगर नहीं पढ़ा है देन डोंट वरी, यहाँ पे मैं उनको अगेन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो चलिए सबसे फर्स्ट हम अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो डिविजन एल्गोरिथम की हमारी स्टेटमेंट है। सो डिविजन एल्गोरिथम स्टेटमेंट क्या बोलती है हमें, सिंपली इफ ए इज एनी होल नंबर, हमारे पास ए है कोई भी होल नंबर है, एंड बी इज अनदर स्मॉल नॉन जीरो होल नंबर, और एक और दूसरा होल नंबर है हमारे पास बी, लेकिन वो बी क्या है ए से छोटा है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर्स Q एंड R सच दैट, देन आफ्टर दैट अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास दो यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट A इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाइड बाय Q प्लस R। सो ये हमारे वो दो यूनिक होल नंबर्स है Q एंड R, वेयर द वैल्यू ऑफ R, R की जो वैल्यू होगी या तो वो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से बड़ी होगी, और B से क्या होगी, छोटी होगी। सो लाइक दैट इस तरह से हमारी क्या होगी, एल्गोरिथम होगी, डिविजन एल्गोरिथम, या फिर इसको डिविजन रूल भी बोलते हैं। नाउ अब इसकी जो स्टेटमेंट आएगी, रिलेशन आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। सो दिस इज द डिविजन एल्गोरिथम। सो ये हमारी क्या आ गई यहाँ पे, डिविजन एल्गोरिथम आ गई। सो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं हमारे इस एल्गोरिथम को, बिकॉज इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर। सो उनको हम यहाँ पे सिंपली स्टडी करते हैं। सो लाइक दैट देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या बोला आपको, सिंपली कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाइड बाय Q प्लस R, वेयर जो R है हमारा उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या जीरो के इक्वल होगी, लेकिन B से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सो सपोज हमारे पास A यहाँ पे क्या है, सपोज A हमारे पास आ गया 31, A की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, A इज इक्वल्स टू 31 एंड B इज इक्वल्स टू 7। सो देखिए, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे A हमारा कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक होल नंबर ले लिया है, लेकिन जो B लूंगा मैं, वो B क्या होना चाहिए, A से छोटा होना चाहिए। सो लाइक दैट, सो चलिए देखते हैं इन यूनिक नंबर्स को, इनको फाइंड करते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, A को डिवाइड करना है B से। सो कैसे मैं डिवाइड करूंगा, सो 31 डिवाइडेड बाय 7। सो देखिए 7 कितने टाइम्स हम यहाँ पे लेंगे, 4 टाइम्स हम यहाँ पे लेंगे, देन दिस विल बी 28, कितना आ जाएगा 28, जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे देन दिस वैल्यू इज 3, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 3 आ जाएगी। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यूज आई है ये क्या क्या है हमारे पास, 7 की अगर मैं बात करूं, सो 7 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, 7 इज द डिविजर, 7 क्या होगा हमारा, डिविजर होगा। 4 की अगर मैं बात करूं, 4 हमारा यहाँ पे क्या होगा, 4 हमारा यहाँ पे क्वाइटेंट होगा। एंड अगर 31 की बात करूं, 31 हमारा यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द डिवाइडेंड। एंड जो 3 होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। सो सभी वैल्यूज हमें पता चली कौन क्या है यहाँ पे। अब चलिए, अब इन सभी वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करते हैं। सो ये अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर
मल्टीप्लाइड बाय क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। सो ये हमने यहां पे क्या किया, स्टडी किया। सो चलिए सभी की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो डिवाइडेंट हमारा कितना है 31 इज इक्वल्स टू डिविजर कितना है 7, क्वाइटेंट कितना है 4 प्लस रिमाइंडर कितना आया 3 आया। देन दिस विल बी 7 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 28 प्लस 3, देन दिस विल बी 31, दिस विल बी 31। इट मींस यहां पे ये दोनों नंबर्स क्या कर रही है, डिवीजन एल्गोरिथम को शो कर रही है। मींस डिवीजन एल्गोरिथम हमारे यहां पे क्या है, दिस इज दी करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ वी कैन सिंपली सॉल्व दी क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दी डिविजन एल्गोरिथम। सो लाइक दैट आपको इसी तरह से एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको सिंपली ए एंड बी कोई भी दो आपको वो नंबर्स गिवन होंगे एंड सिंपली आपको वहां पे क्या करना है, वेरीफाई करना है डिविजन एल्गोरिथम को। सो सबसे फर्स्ट आप वहां पे किसको फाइंड करोगे, सो देखिए क्वेश्चन में आपको डिविजर और डिवाइडेंट गिवन होंगे, आपको वहां पे क्वाइटेंट और रिमाइंडर को क्या करना है, फाइंड करना है। सो देखिए अभी यहां पे मैंने क्या बोला था कि दो यूनिक वोल नंबर्स हमें मिलेंगे क्यू एंड आर। सो ये तो हमारा कौन सा वोल नंबर है, यूनिक क्यू है एंड दिस इज दी आर। सो ये हमारा आर एंड क्यू, ये दो हमारे वो यूनिक वोल नंबर है जो हमको मिलेंगे जब हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे किससे, बी से। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे डिविजन एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और आई होप अब आप इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं एंड द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिविजन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन अभी हमारा टॉपिक बचा हुआ है ऑपरेशन ऑफ डिविजन में, देन आफ्टर विच हम स्टडी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को, उनकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एंड देन हमारा लास्ट टॉपिक बचा है विच इज दी पैटर्न्स, पैटर्न्स इन वोल नंबर। सो तब हम उनको स्टडी करेंगे। सो दीज आर दी टू टॉपिक्स दैट आर रिमेनिंग इन दिस चैप्टर। सो इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अगेन इन दी नेक्स्ट लेक्चर एंड प्लीज don't forget to revise all the things that we have discussed in today's lecture and in your previous lectures. So, okay, dear students, thanks.